नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसी में एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक आता क्वेश्चन अमूमन आ जाता है डीपीएसपी से, काफी इन्वॉल्व टॉपिक है, इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर लगता है ये। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि लोअर पीसीएस के लिए जो एग्जाम आने वाला है इसमें हम लोग आपको एक टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स तो आपको मिल जाते हैं जैसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज है उसमें 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे, आई थिंक 120 125 मिलेंगे। कुछ फुल लेंथ होंगे, कुछ आपके मॉड्यूल बेस होंगे, और टेस्ट सीरीज जो है वो पेड है। 500 रुपीज का पेमेंट आपको करना पड़ेगा और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में देखा गया है कि पिछले दो एग्जाम जो हुए हैं अपर पीसीएस का और उससे पहले का जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया कि जो लोगों का आता भी है, जो पढ़ते भी हैं, तो चूंकि नेगेटिव मार्किंग में इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वहां पे या तो गलत करके आते हैं या तो छोड़ के आते हैं, तो वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो अब यहाँ ऐसा हो गया कि पढ़ना तो है ही है, साथ में टेस्ट सीरीज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को थोड़ा श्योर करना भी जरूरी है। तो अगर आप थोड़ा सा तैयारी अपनी सीरियसली ले रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, ऑनलाइन रहेगा, साथ में आपको ये वीडियो लेक्चर्स, करंट अफेयर्स, पीडीएफ फाइल्स सब कुछ मैं आपको भेजता रहूँगा। एक ऑप्शन और आपके पास है कि यूपी पीसीएस, अपर यूपी पीसीएस 2019 के लिए हमारा बैच चलता है, उसमें आप प्री और मेंस पढ़ाया जा रहा है, अभी फिलहाल मेंस पढ़ा रहे हैं, पहले प्री बाद में पढ़ाएंगे। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल और ऑनलाइन टेस्ट चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है कि जितने छोटे एग्जाम होंगे, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ का एग्जाम हो गया, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, उसकी फीस कितनी है? मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आप लोअर पीसीएस का खाली कोर्स ज्वाइन करोगे तो 500 रुपये वन टाइम पेमेंट है, और अपर पीसीएस का ज्वाइन करते हो तो आपको एक महीने पर मंथ आपको 500 रुपीज़ देना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 8317040152 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी भाग चार में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग चार में है। तीन में कौन है? फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं ये। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपका जितना भी चीज़ें आ रही हैं, जितने भी आर्टिकल्स में आ रहे हैं, वो सब डीपीएसपी में आता है। लेकिन शुरू करने से पहले बताऊँगा डीपीएसपी होता क्या है, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई डीपीएसपी की, और ये फंडामेंटल राइट से डिफरेंट कैसे है। देखिए दोस्तों, डीपीएसपी हुआ क्या, जब देश आज़ाद होता है, आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले हमारे नेता थे, जो जितने भी नेता थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था पब्लिक से कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सबके साथ ऐसा होगा, सबके साथ वैसा होगा, सब इक्वालिटी होगी, बराबरी होगी, सबको पैसा मिलेगा, सब खुश हो जाएंगे। इस तरह के जो अमूमन वादे होते हैं वो किए गए थे। उस समय भी जब देश आज़ाद हुआ तो लगा कि अब देश आज़ाद तो हो गया है, अब जो वादे हमने प्रॉमिस किया है पब्लिक से वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम अपनी बात से मुकर जाते हैं, नहीं देते पब्लिक को, तो पब्लिक के पास गलत मैसेज जाएगा कि देखो इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया और ये आज जब देश आज़ाद हो गया तो पलटी मार रहे हैं ये लोग। तब ये डिसाइड किया गया कि जितने भी वादे थे उन वादों में से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो तत्काल रूप से दिए जा सकते हैं उनको तो आप तुरंत दे दो। वो जो तुरंत दे दिए गए वो थे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तुरंत दे दिए गए, वो तो मेंशन कर दिए गए। और जो वादे जिन पे उस समय संभव नहीं था कि प्रोवाइड करना, लेकिन ये माना गया कि जैसे ही क्षमता आएगी और देश थोड़ा सा और डेवलप होगा, एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मजबूत होगा, तो हमें वो चीज़ अचीव करनी है, तो वो वादे तब पूरे होंगे, भविष्य में वो वादे पूरे होंगे। तो जो वादे भविष्य में पूरे होंगे या देश जो उन जो उन चीज़ों की तरफ जिसको ले जाना है वहाँ पर जाएगा, तो वो बातें जो कही गई थी वो डीपीएसपी में आती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आती हैं। ठीक है, तो आप डीपीएसपी में देखोगे वहाँ पर बोलता है आदमी और औरतों को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, मतलब पैसा मिलना चाहिए काम का। आज भी देश में नहीं है ऐसा, ठीक है, अगर सरकारी उसमें छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे आदमी और औरतों में सैलरी में फ़र्क है। ठीक है, तो ये भविष्य के लिए रख दिया कहता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, विलेज पंचायत का था तो वो चीज़ें खैर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो एक तरह से डीपीएसपी को बोला गया कि जितनी सरकार होंगी वो सब डीपीएसपी को देख के अपनी पॉलिसीज बनाएंगी कि हमें इस तरह से बनना है, आप हमारे देश को इस तरफ ले जाना है। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का फर्क। एक फर्क और भी आता है कि
अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का यानी मूल अधिकार का हनन होता है, चाहे सरकार के द्वारा चाहे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो आप उसको या उस चीज के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप डीपीएसपी में अगर आपको कोई हनन होता है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये बहुत बड़ा फर्क है और ये समझना जरूरी है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब है कि आप अगर आपका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट वाले आपका जो रिट्स के माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट का हनन होने से बचाते हैं। डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, डीपीएसपी के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये एक ऐसा 15-16 आर्टिकल्स हैं जिसमें कि सरकार एक अपने आप प्लानिंग करती है कि हाँ इस देश इस तरह होना चाहिए, चाहिए है नहीं, ठीक है ना। तो इस बात को, फर्क को समझिएगा। अगर मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो इस चीज को सबसे जो इंस्पायर हुए हैं हम, वो हुए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बता दीजिएगा। इसके उद्देश्य एक चीज और भी देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट। क्या होता है वेलफेयर स्टेट? कल्याणकारी, सबकी सीधी सी बात है कि जितने गरीब लोग हैं उनको बराबरी का मौका मिले, उनको आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। हम लोग योजनाएं चलाते हैं, सरकार अपने पास रिसोर्सेज रखती है कि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे आगे बढ़ाया जाए, जिसमें आप रिजर्वेशन भी आता है, जिसमें आपको गरीबी हटाओ आंदोलन जो मूवमेंट है वो सब भी आते हैं, और एनजीओ के माध्यम से या किसी पेंशन के माध्यम से कल्याण किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कल्याणकारी एक राज्य की स्थापना करने का एक उद्देश्य से डीपीएसपी को रखा गया। इसके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सके। ये देश के वास्तविक रूप से सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र की स्थापना करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम वो सब चीजें पा जाएंगे फंडामेंटल जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, तो हम सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री माने जाएंगे, ठीक है। उसमें ऐसी बातें हैं, हम पढ़ेंगे क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। तीन बातें मुख्य है इसमें, यह कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता, तो एनफोर्स नहीं किया सकता। न्यायालय में नहीं जा सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं, आप अगर आपका हनन होता है तो वहां पे तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, इन्हें लीगल शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होता है। जैसे मैंने कहा कि हर राज्य को, स्टेट का हो या सेंटर का हो, डीपीएसपी के आर्टिकल्स की को देखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। अब क्या है, इसको डिवाइड, डीपीएसपी को डिवाइड किया गया है। जैसे इकोनॉमिक जस्टिस में आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व में लिखा है कि इसमें आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय संबंधी की व्यवस्था की है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, कौन सा है, आर्टिकल 38। देखिए दो तरह से है, आर्थिक है और सोशल है, ठीक है। आगे पॉलिटिकल भी आएगा, तो आर्थिक की पहले बात कर रहे हैं। आर्टिकल 38(2), राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आर्थिक का है, जो आर्थिक असमानता है, कुछ अमीर हो गए हैं कुछ गरीब रह गए हैं, तो इस जो डिफरेंस को खत्म करने का प्रयास सरकार करेगी। अब वो कैसे कर सकती है, चाहे रिजर्वेशन के माध्यम से कर सकती है, आर्थिक रूप से वो भी होता है, ठीक है, या आप पेंशन योजना के माध्यम से कर सकती है, या किसी को और कोई अलाउंसेस दे सकती है, ठीक है। तो ये सब करेगी वो, ठीक है। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, इंग्लिश में आ गया, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट शैल बी डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज। अब 39 के पार्ट्स हैं, कई 39 का क्या बोलता है, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। औरत और आदमी के दोनों को बराबर अपनी लाइवलीहुड देने के लिए प्रयत्न करेगा। सरकार की नज़र में आदमी और औरत में फर्क नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 39(b) क्या बोलता है, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। मतलब जो भी रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, खनिज हैं, पानी है, जो भी है, मिनरल्स हैं या पब्लिक ऐसा रिसोर्स है, उस पर सरकार कंट्रोल रखेगी, ठीक है। और वो ये देखेगी कि जो रिसोर्सेज का फायदा है वो सबको बराबर जाए। अभी क्या होता है, झारखंड का जो मिनरल है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, मिनरल रिच स्टेट्स हैं, ठीक है। वहाँ से लोहा निकलता है, वहाँ से मिनरल निकलता है और जाता है दिल्ली मुंबई के लोगों में, आता है वहाँ पे, ठीक है। और झारखंड के लोग गरीब हैं, दिल्ली मुंबई में जो बहुत दूर हैं वहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनका उनके ज़मीन से मिनरल निकल के उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और उसके बदले में आप कुछ दे भी नहीं रहे हो, आप उनका मिनरल निकालो कुछ दे भी नहीं हो। यही सब कारण होते हैं जब
नक्सलवाद आता है या सेपरेटिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, वो सब आता है चीज़ें। जब आप उनको तो यूज़ कर रहे हो लेकिन आप उसके बदले में उनको उस उसकी इक्विवेलेंट को चीज़ दे नहीं रहे हो। आज भी वहाँ पर लाइट नहीं है, आज भी वहाँ पानी नहीं आता है, स्कूल नहीं है। आप जब गहराई में पढ़ते हैं नक्सल के समस्याओं को पढ़ते हैं तो देखोगे कि कहीं ना कहीं सरकार की गलतियाँ हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हैं ये ऐसा पब्लिक कि हमने ऐसे नेताओं को चुना जो जिन्होंने पॉलिसीज बनाई नहीं उनके लिए। आज जब वो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है तब उनके पास क्या था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम विरोध करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो सरकार को कंट्रोल करना है चीज़ों पे और देखना है कि इसका फ़ायदा सबको पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आर्टिकल 39C क्या बोलता है, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगी कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित की किसी प्रकार की हानि हो। मतलब कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, होता यही है, मतलब कि कुछ लोगों के पास ही पैसा पहुंचता है और बाकी लोग के पास उतना कुछ नहीं पहुंचता है। अभी 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि दुनिया में 26 लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी 80% लोगों के पास पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी है। मात्र 26 लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी हो उतनी 80% दुनिया के लोगों के पास प्रॉपर्टी है। यही कुछ हालत हमारे देश में भी है। अगर हम कुछ शुरू के 10-15-20 हमारे जो बिजनेसमैन हैं, चाहे रिलायंस वाले हो गए चाहे दूसरे टाटा वाले हो गए, अगर उनकी संपत्ति को देखेंगे तो सिर्फ 10-15 लोगों के पास इतनी संपत्ति होगी कि 80-90% हमारे पास लोगों के बराबर संपत्ति होगी। तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीकरण हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी अपनी प्रॉब्लम है, कैपिटलिज्म से कहते हैं, पूंजीवाद को कह सकते हैं, लेकिन पूंजीवाद के साथ कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है। अच्छाई है कि अगर पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो जॉब क्रिएट होती है, इकोनॉमी डेवलप करती है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या है कि इसमें फिर प्रॉफिट पे काम करते हैं तो फिर वो शोषण का एक हथियार बन जाता है। काम ज़्यादा लेंगे, सैलरी कम देंगे, प्रॉफिट पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, पैसा जो होता है बिजनेसमैन ओनर को जाता है, आम मजदूरों को नहीं जाता या पब्लिक को नहीं जाता है। तो ये समस्या रहेगी। सरकार को देखना है कि इस चीज़ को बैलेंस बना के रखे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी भी एक चीज़ में कमी आई, अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो आर्थिक मंदी आ जाएगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ तो गरीबी आ जाएगी, और उसके बाद क्या आएगा, सेपरेटिज्म जैसा, मतलब कि नक्सलवाद जैसी चीज़ें समस्या आती हैं। आर्टिकल 39D क्या बोलता है, राज्य प्रत्येक नागरिक चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। भैया 8 घंटे अगर औरत काम करती है तो उसको भी अगर 250 रुपये मजदूरी मिलेगी तो आदमी को भी 250 मिलेगी, उसको 400 नहीं मिल सकती है। लेकिन होता है उल्टा है देश में, हमें लगता है कि औरत जो है वो क्योंकि फिजिकली कमजोर होती हैं तो लगता है कि वो कम काम करेंगी। तो सरकार को ये टारगेट करेगी कि सैलरी जो है, अगर वेजेस जो है बराबर हो, आदमी भी उतना अगर काम कर रहा है तो सैलरी उसको भी इतनी मिले जितनी औरत को मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 39E, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों की स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होने देगी। मतलब हेल्थ के बारे में बोला गया कि जो आदमी औरत या बच्चे हों उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान दिया जाएगा। आर्टिकल 39F बोलता है, बच्चों तथा युवकों के शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी, उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। सोशल वेलफेयर स्कीम आप देखोगे क्या है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सकें, ठीक है, और अगर जब बुढ़ापे में आ जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उस दिशा में उनको सरकार की तरफ से पेंशन मिल जाए। तो पेंशन वाला सिस्टम वो यहाँ से आर्टिकल 41 से आ रहा है। बूढ़ा आदमी है यार, वो क्या करेगा बताओ, तो उसको तो आप 1000 रुपया, वैसे बहुत कम होता है 1000 रुपया, लेकिन चलो पेंशन सरकार कुछ तो देती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42, राज्य ऐसा प्रयत्न करे कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े और स्त्रियों की को प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध कराना पड़े। क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, जो भी व्यक्ति काम करे चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उस वो जिस कंडीशन में करे वो माहौल सही होना चाहिए, डेंजरस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मिल, जैसे पुराने जमाने में जब आप देख याद करते हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में, तो आदमी वहाँ गया फैक्ट्री में काम कर रहा है, 12-12 घंटा नहीं 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं। अब जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो देखते हैं उसके अंदर कितना ज़्यादा शोषण किया मज़दूरों का,
18 घंटे काम कर रहे हैं, ना उनके पास आराम करने का वक्त है, ना उनको खाना उस हिसाब से मिल रहा है कि उनका न्यूट्रिशन अच्छा तक हो सके, ना उनको इंटरटेनमेंट मिल हो रहा है उनका। भाई इंटरटेनमेंट में एक लाइफ का एक बहुत अभिन्न अंग है, ठीक है। तो सरकार ये ध्यान देगी कि लोगों के जिस कंडीशन में काम करें वो सही हो, हेल्दी हो, उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, उनको प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक ऐसा माहौल मिले कि वो आगे भी ग्रोथ कर सकें, ठीक है, उनकी फैमिली को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक चीज़ पे ये ध्यान देगी। दूसरा क्या है कि जो औरत है कोई, वो उसकी प्रस्तुति यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी, प्रेग्नेंट है तो उसको पहले सही न्यूट्रिशन मिले, सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, और अगर डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको हॉस्पिटल या जो भी होता है वहाँ पे जाके वो प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करा सके, ठीक है। इस पे सरकार ध्यान देगी। और हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी का जो अब इंडिया में परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। अब गांव के लोग भी हॉस्पिटल में, पहले दाई लोग डिलीवरी करते थे, अब चूंकि दाई वाले में दिक्कत क्या होती है कि थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन अगर आता है तो फिर उसका हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे बच्चे, जच्चा बच्चा दोनों के जीवन में खतरा आ जाता है। लेकिन अब चूंकि हॉस्पिटल पे जाने लगे तो वहाँ पर कंडीशन रहती है कि आप ध्यान देता है। अब ये अलग बात है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो सीजेरियन कराने की सोचते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनको पैसा बन जाता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो दो चार पाँच हज़ार रुपये में हो जाता है, सीजेरियन कराएंगे तो 50,000 रुपये लगेंगे, तो ये अलग केस आता है। आर्टिकल 43, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। राज्य यह भी प्रयास करेगा कि गाँव में व्यक्तिगत अथवा सरकारी सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, इतना जितना काम करेंगे इतना पैसा दो, कम से कम दो, जिससे कि जीवन निर्वाह हो सके, ठीक है। महंगाई तो ऑलरेडी 10-12% से बढ़ रही है, लेकिन हमें सैलरी भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या है कि देश में नौकरियां नहीं है, एक समस्या तो है, लेकिन जो नौकरियां हैं भी, अगर कुछ परसेंटेज नौकरी हटा दिया जाए तो बाकी नौकरियां जो हैं, जो खासकर प्राइवेट के छोटे प्राइवेट सेक्टर पे छोटे लेवल पे जो नौकरियां हैं वो इतने कम वेजेस मिलती है कि वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को रोकना है। मान लीजिए कोई सफाई कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसे मात्र 5,000 रुपये मिलते हैं, तो क्या उसको आपको लगता है कि 5,000 रुपये में वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, अपने बच्चों को स्कूल में डलवा सकता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को भेज सकता है, ठीक है, क्या वो अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो हमें ये सिस्टम देखना है कि जो भी काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो सैलरी मिले कि वो उसका जीवन चल सके। दूसरा कुटीर उद्योग, यानी कि क्या है, जैसे हम कहते हैं कि जो घर पे जो गृह उद्योग जिसे कहते हैं, ठीक है, जो गृह उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए। गृह उद्योग बहुत दिन पर, कुटीर उद्योग माइक्रो सेक्टर में आते हैं, छोटे छोटे दिया बना दिया, बत्ती बना दी, छोटे छोटे पटाखे बना दिए, ठीक है, पापड़ बना दिया, तो उसको इनको प्रोत्साहित करना है उनको आगे, क्योंकि ये क्या करते हैं कि औरतों को इन्वॉल्व करते हैं, औरतें एम्पावर्ड होती हैं, ठीक है, औरतें एम्पावर्ड मतलब कि औरतों का सशक्तिकरण होता है, औरतों के पास पैसा आता है, औरतों के पास डिसीजन लेने का आता है, तो अगर औरतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जो उनका ग्रामीण बैंक है, 2006 में मोहम्मद यूनुस साहब को नोबेल प्राइज़ मिला उस चीज़ के लिए, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट वहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं से पूरी दुनिया में गया है, इंडिया में भी 91-92 में आया था। तो वहाँ पे क्या होता है, 5-7-8 लोग औरतें मिलके काम करती, पैसा जमा करेंगी और फिर काम करेंगी, तो वो कॉन्सेप्ट ने बांग्लादेश की तस्वीर चेंज कर दी है। अभी पिछले साल की रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश कई मैटर फैक्टर्स पे, कई पैरामीटर्स पे इंडिया से ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ तक कि डिजिटल पेमेंट जो है वो इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे कर रही है, वहाँ 35% से ज़्यादा का है, 35% ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट करते हैं, जो औरतें हैं डिजिटल पेमेंट करती हैं, जो अनपढ़ गरीब औरतें हैं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने को सशक्तिकरण कर रही हैं, तो डिजिटल पेमेंट ज़्यादा कर रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करवाया जा रहा है जबरदस्ती नोटबंदी करा के, ठीक है, उसके बावजूद भी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी परसेंटेज कम है इंडिया में, वहाँ पे क्या सशक्तिकरण हो गया औरतों का, औरतें वहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने लगी, मतलब हॉस्पिटल में जाके बच्चे पैदा होने लगे, ज़्यादा बच्चे स्वस्थ ज़्यादा होने लगे, बच्चों की मरने की दर कम हो गई है वहाँ पे। तो जब भी औरत कोई मजबूत होती है तो उसका फायदा ना सिर्फ परिवार को होता है बल्कि समाज को होता है, और बांग्लादेश उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा है अपने आप को, और आगे देखिएगा इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेगा विद इन 5 ईयर्स, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 43 का, राज्य उचित व्यवस्था करके औद्योगिक संस्थानों
के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने का कदम उठाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, ये मूल में नहीं था, बाद में आया है। क्या बोल रहा है ये, बोलता है कि जो फैक्ट्रीज होंगी वो फैक्ट्रीज मालिक तो होगा ठीक है उसका, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स हैं, मान लो 1000 वर्कर्स हैं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मैनेजमेंट के बोर्ड डायरेक्टर्स में वो लोग, उनके भी एक रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, जो जिससे क्या होगा कि मजदूरों की बात सही तरीके से मालिकों तक पहुंच जाए, ठीक है, कहने का मतलब ये है, वो अपनी समस्या किसको बताएंगे भाई, तो एक तरह से दोनों लोग काम करें, मालिक तो चलो है ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट है, उसका पैसा लग रहा है, लेकिन मजदूर भी काम करता है, उसका भी हित जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट है उसको भी, उसकी भी प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट में मजदूर लोग भी ऐसे आएंगे। 70s की जितनी पिक्चरें आती हैं आप देखोगे, जहां पर भी मिल मालिक हैं, मिल मालिक को हमेशा नेगेटिव में दिखाया गया है, गरीब है, खून चूसने वाला है, गरीब बेचारा हीरो जो है और गरीब है, वो मजदूर का बेटा है वो, ठीक है, लड़ाई किस बात की, इसी बात की है कि तुमने सारा पैसा निचोड़ लिया, हम मजदूरों को काम करा करा के, वो बोलता है, मालिक बोलता है कि भाई जितना तुम्हें काम कराया उतना पैसा दे दिया, तो इस समस्या को ठीक है सैलरी मिल गई उनको, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी भी तो मालिक की है ना, तो मैनेजमेंट में हिस्सा बनेंगे, अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे, जिससे कि उनका भी हित जुड़ा हुआ है। चलिए आर्टिकल 48, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे, राज्य जो कृषि और पशुपालन को, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ज़्यादा वैज्ञानिक बनाएंगे, साइंटिफिक बनाएंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इसी का चीज़ है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कृषि पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पे काफ़ी काम किया जा रहा है, ठीक है, विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए उनका वध रोकने से कदम उठाया जाएगा। जो बूचड़ खाने बंद कराए यूपी में, खासकर कहीं ना कहीं ये रखा था कि भाई गायों को ना मारा जाए, ठीक है, क्योंकि वो दूध देती हैं, ठीक है, और अच्छी किस्म की गाय होंगी जो ज़्यादा दूध देती हैं, तो उनको भी संरक्षण दिया जाए। तो योगी जी ने जो उठाया कदम वो आर्टिकल 48 से उठाया होगा, ठीक है। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस संबंधी निदेशक तत्व, हमने आर्थिक पढ़ लिया, सामाजिक आ गया। अनुच्छेद 46, राज्य जनता के दुर्बल वर्ग विशेषतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और संबंधी हितों के विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। समझाने की जरूरत है नहीं, SC ST मैं तो कहता हूँ OBC भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, ठीक है, ये सब भी एक तरह के सामाजिक अन्याय से पीड़ित हैं, तो उन सबको प्रमोट करेगा, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे सीट्स हों, चाहे जॉब में हों, चाहे किसी भी तरह से उनको प्रमोट करेगा कि वो आगे बढ़ सकें। आर्टिकल 47, राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पत्र करेगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि के रूप प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। जितने भी ड्रग्स हैं इन पर बैन लगाएगा, ठीक है, ड्रग्स में आपका दवाई भी आती है और जो ड्रग्स लेते हैं कोकीन वोकीन इनको ड्रग्स कहा जाता ना, तो इन पर बैन है, तो दवाई भी जो यूज़ होती है वो तो अलग है, उसको प्रिस्क्रिप्शन से अब लोग हैं, लेकिन ये सब चीज़ों पर बैन लगाया जाएगा जो पब्लिक हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। अब आता है न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व, न्याय जस्टिस एजुकेशन के हिसाब से आर्टिकल 39 का, सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध होगा। देखिए सभी को समान, आर्थिक रूप से कमजोर या किसी अन्य प्रकार के निरोगी व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगी। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 42वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया है, एक दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, पहले 43 का था, अब ये 39 का है कि 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है कि फ्री लीगल एड, माने कि कोई गरीब आदमी अगर किसी क्राइम के तहत फंसता है और उसके पास वकील रखने का पैसा नहीं है, तो सरकार इस कोर्ट जो है वो मुहैया कराएगी कि वो अपने हिसाब से कोई वकील दे देगी जिससे कि उसका केस लड़ा जा सके और उसको न्याय के लिए उसको पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मतलब होता है, विवाह संबंधी और प्रॉपर्टी संबंधी हमारे देश में अलग अलग कानून है। मुस्लिम्स को देखो कि आप अलग है, 4 शादी कर सकते हैं, ठीक है, हिंदू 1 शादी कर सकता है, ठीक है, तो ये क्या है विवाह संबंधी, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि एक जैसा सिविल में, तो विवाह संबंधी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर संबंधी जितनी बातें हैं हमारे देश में इसका अलग अलग है, हिंदुओं में अलग सिस्टम है, मुसलमानों को अलग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, ये चीज़ ना रहा है और पूरे देश में एक ही तरह का कानून हो,
चाहे वो हिंदुओं के, अगर शादी करनी है तो फिर अगर हिंदू एक शादी करेगा तो मुस्लिम भी एक शादी करेगा, ये सही नहीं है कि मुसलमान चार करे हिंदू एक करे, ठीक है। तो एक तरह से अलग अलग दिख रहा है, किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। चूंकि ये बात बड़ी थोड़ी सी, ये था कि 1947-48 में बड़ा विवाद हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत लागू हो इस देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी में खासकर नेहरू वगैरह लोग नहीं चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत लागू हो। उनको लगता था कि अभी वक्त नहीं आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए। उनका कारण यह था कि चूंकि देश तुरंत बंटवारा हुआ था और मुस्लिम्स में काफ़ी इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा थी, तो उनको लगता था अगर हम तुरंत इतना बड़ा फैसला ले लेंगे कि भैया नहीं तुम शादी भी नहीं कर सकते चार और आपकी प्रॉपर्टी में ये सब होता है तो दिक्कत आएगी, तो हो सकता है कि मामला और ख़राब हो जाए। तो उनको लगा था कि थोड़ा सा समय गुजर जाएगा तब होगा। इस बात को लेकर विवाद भी हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही त्याग पत्र दे दिया था, कहते नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक चीज़ और जुड़ी हुई है, इसमें महिलाओं के राइट्स भी हैं। पहले हिंदू महिलाओं के राइट्स भी हैं कि जो प्रॉपर्टी में हिस्सा था वो हिंदू में औरतों को नहीं, लड़कियों को नहीं मिलता था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बात बोली गई थी कि और लड़कियां हैं उनको भी अपने बाप की प्रॉपर्टी में उतना ही हक है जितना लड़कों को होता है, ठीक है। नेहरू ने क्या किया कि जब इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को 3-4 टुकड़ों में बांट दिया और मुस्लिम वाला पार्ट हटा के जो हिंदू वाले इसमें था वो रिफॉर्म कर दिया उसको, इसमें क्योंकि उस समय भी हिंदुओं में भी कई बहुपत्नी स्त्री विवाह का था, बहुस्त्री बहुविवाह का कॉन्सेप्ट चलता था, कई जातियाँ थी जहाँ पे बहुविवाह होते थे, तो उसको बैन किया गया, मुस्लिम्स में नहीं किया गया, हिंदुओं में कर दिया गया। और लड़कियों में प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए गए कि लड़कियों को भी पिता की संपत्ति पे उतना ही अधिकार है। तो काफ़ी विवाद हुआ था यूनिफॉर्म, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है, इसके लिए काम चल रहा है, काफ़ी विवाद चलता रहता है। आर्टिकल 45 राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास करेगा। पहले था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए था, लेकिन वो अब हट के फंडामेंटल राइट्स में आ गया है, अब 6 साल से कम बच्चों की एजुकेशन के लिए अब DPSP दिखेगा, ठीक है। आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह अपनी स्वायत्त प्रशासन शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सके। तो विलेज पंचायत बनाने का हम ऑलरेडी जानते हैं कि पंचायत हमारे सिस्टम हमारे देश में आ चुका है, लागू हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात आर्टिकल 40 करता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 50 भारत की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं से कार्यपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा, ये क्वेश्चन आया भी था PCSML की, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, मतलब जुडिशरी अलग होगी और सरकार अलग होगी, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे पर लगाम रखते हैं, खासकर जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार पर लगाम रखती है, नहीं तो लगाम सरकार जो है बेकाबू हो जाती है, उसकी जो मर्जी है वो करती है। भाई सरकार अगर शोषण कर रही है तो कहाँ क्या करोगे, किसके पास जाओगे? अगर जुडिशरी कमजोर होगी और सरकार आपका शोषण करेगी तो आप कहीं नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो जुडिशरी और सरकार को अलग अलग होना जरूरी है, और जुडिशरी इस तरह से आपके शोषण, अगर सरकार जो द्वारा जो किए गए शोषणों को रोकथाम करती है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन। प्राचीन स्मारकों संबंधी निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 49 में बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सीधी सी बात है जो हमारे स्मारक हैं उनको राष्ट्र महत्व की चीज़ें उनको हमें प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि हम्पी में कर्नाटक में है वहाँ पर जो वातापी राजाओं ने द्वारा जो और बनाए गए हैं मंदिर बनाए, अब 3 लड़के ने उन्होंने क्या किया जाके एक दीवार गिरा दी। भाई हजारों साल कई 100 साल पुरानी वो मूर्तियां हैं मंदिर हैं, आप जाके मस्ती में कर दो, फोटो को वायरल भी कर दिया उन्होंने जो फेसबुक पे या ट्विटर में, अब पता लग रहा है कि वो चीज़ वायरल हो गई है, पुलिस उनको पकड़ने के मूड में आ गई है, ठीक है। गलत है, पकड़ना चाहिए उनको, पीटना भी चाहिए और उनको जेल भी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी पुरानी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, इनको आप दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते हो, आप एक बार ख़राब कर दोगे तो ये दोबारा नहीं बात बनेगी, ठीक है। ये हमारे इतिहास है, ये हमारी हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे हमारा कल्चर है ये, ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते। तो जितनी भी ये स्मारक हैं इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आर्टिकल 48 का क्या बोलता है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एनवायरनमेंट की भी देखभाल करेगी, फॉरेस्ट की देखभाल करेगी, और फॉरेस्ट के अंदर जो रहते हैं जीव जंतु उनकी भी देखभाल करने का काम सरकार का रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की बात करते हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल 51 आता है, एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन ये PCS में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस
एंड सिक्योरिटी, ये आया था क्वेश्चन आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व के बारे में है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के नीचे लिखे गए आदेशों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति उदार का आदर का भाव रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगा। आर्टिकल 51 है। उसके बाद आर्टिकल 51 ए आता है, वो क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे आर्टिकल 51, ठीक है। 51 में क्या इंटरनेशनल पीस भी आता है। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। के टी शाह थे विशेषज्ञ ने डीपीएसपी को ऐसा चेक कहा था जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। बैंक कौन है, सरकार, ठीक है, तो सरकार अपने हिसाब से देगी, मतलब कि वो डीपीएसपी वो जब चाहे तब लागू हो सकती है, कोई प्रेशर नहीं है सरकार के ऊपर। तो के टी शाह ने कटाक्ष किया और कहा कि के टी शाह ने डीपीएसपी को ऐसा चेक कहा कि जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। 42वें संविधान इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 में जोड़े गए तत्व हैं अनुच्छेद 31 का, जिसमें कहा समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे, तो 4 जोड़े गए थे, एक आर्टिकल 39 का समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 43 का उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेना, आर्टिकल 48 का पर्यावरण वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, आर्टिकल 39 का शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा। पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। संविधान में अन्य भागों में वर्णित निदेशक तत्व जो हैं, कुछ डीपीएसपी बाहर भी हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक तो कुछ हैं दिए ही गए हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बाहर भी पढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल 350 क्या बोलता है, वो राज्य भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि जो प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन होगी बच्चों की आर्टिकल 350 के हिसाब से, वो मातृभाषा में होगी, मातृभाषा में आप प्राइमरी एजुकेशन देंगे, ठीक है। आर्टिकल 351 क्या कहता है, संघ का यह कर्तव्य कि हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए कार्य करे, ठीक है, हिंदी भाषा को प्रसार और प्रचार करे, कि साउथ में खासकर इसको और डेवलप करे जिससे कि यह हमारी राष्ट्रभाषा बन सके। और आर्टिकल 335 क्या कहता है, संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को दावा के दावों का प्रशासन में दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाए। मतलब कि जो संघ और राज्य की सेवा, मतलब कि अब इसे रिजर्वेशन से जोड़ सकते हैं कि रिजर्वेशन में जो नौकरी मिलेगी एससी एसटी की, तो एफिशिएंसीज को कम ना करते हुए इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए जिससे कि इन ये वर्ग के लोग वहाँ पे काम कर सके वहाँ पे आगे, ठीक है। डीपीएसपी और मूल अधिकार मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कोई ज़्यादा करने, जो आप लोग जो पीडीएफ फाइल मिलेगी तो उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब चीज़ें। तो दोस्तों इसके बाद वीडियो खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। खत्म करने से पहले फिर आपको रिवाइज कर दूँ, लोअर पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है, सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, मात्र 500 रुपये में आपको 100 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अपर पीसीएस का करना चाहते हैं तो उसमें तो आपको लोअर पीसीएस और आरओ का भी एक पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फीस क्या है, मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ। और कॉल किस पर करना है, 8317040152 पर आप कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों गुड बाय, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, धन्यवाद।